पापा जी फोटो खिंचा रहे हैं। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं नदी के जो किनारा है यहीं पर ही जा रहे हैं। यहाँ पे हम आए थे 2012 में, इसी जगह पे आए थे, मुझे याद है। अभी थोड़ा चेंज सा लग रहा है मेरे को, उस टाइम पे थोड़ा कच्चा कच्चा होता था। अब ये रेलिंग वेलिंग शायद उस टाइम पे थी नहीं, सब लोग ये हाँ सभी लोग थे उस टाइम पे, ये रेलिंग वेलिंग लगाई नहीं थी, ये ओपन था याद है। अब रेलिंग लगा दी पूरी, ओपन था पूरा। वो जो नीचे ही जा रहे हैं, मैं जब 2 साल की थी तब मैं इधर आई थी, जब ये बताया गया है मुझे मैं भूल गई। जब तू 2 साल की थी पानी में जाना। तो वहाँ पे लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं, आपको साइड पे दिख रहे होंगे, सारे एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे। तो ऋषिकेश में घाट बहुत सारे हैं, यहाँ पे आप कहीं भी तो जाइए, नीचे घाट ही घाट है। अब ये बीच आ गया बीच ही है। पापा जी स्लाइड हो गए क्या? बाप रे कैसे जाएं? ये चले चलो चलो, ये तो फनी वीडियो बन गई। कैसा लग रहा है पापा जी, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ बैठ के? 2012 के बाद अब आए यहाँ पे इस साइड पे। सात का वातावरण है, गंगा जी के किनारा, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। बाबा जी को यहाँ आरती होने जा रही है गंगा जी की, बाजा बज रहा है। और अब हम लोग जो है आगे से रेत में जाएंगे, तो रेत का भी आनंद लेंगे और उसके बाद फिर आकर के भोजन वोजन करेंगे अपना। चोटी वाला जैसे उसकी शॉप को हो गए 64 साल पूरे। ऐसी चोटी है ना उसकी, उसकी चोटी ऐसी है बाबा जी, उसकी शॉप को हो गए 64 या 65 साल पूरे कंप्लीट। ऐसी चोटी है। और ये देखिए जो राम झूला है, अभी देखिए रात में कितना अच्छा सज गया है लाइटनिंग से। रात में बहुत अच्छा यहाँ पे, मतलब पूरा जगमगाता है पूरा यहाँ पे ऋषिकेश में जो ये राम झूला है, ये पूरा एरिया इतना जगमगाता है। मम्मा मैंने भी चोटी रख ली। मम्मा ऐसे ही जो तो अभी हम जाते हैं सीधा आगे, थोड़ा सा आगे जाते हैं रेत की तरफ। अरे मत 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 जाओ, अरे तू कमाशी खेल दिए रेत से। तो अभी हम यहाँ पूरा रेत के साइड में आ गए थे। हाँ लग रहा है ऐसा, मुंबई यहाँ पे भी बीच ही है, यहाँ पूरा रेत ही रेत है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है इस टाइम पे, रात के टाइम पे जो नज़ारा है बहुत ही बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा है, मतलब चारों तरफ लाइटनिंग, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम सब यहाँ पे। खड़ी है वहाँ पे सही बात है। पापा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हो गंगे तरंगे पाप हारी, सदा जय हो तुम्हारी, अनेकों पापियों को तुमने तारा, हूँ उनमें से एक सेवक तुम्हारा। सही बात है, पार लगा देना मेरी भी नैया, पार लगा देना। पापा जी ने कितनी बढ़िया बात करी है, मजा आ गया। पापा बहुत इंजॉय कर रहे हैं, काफी इंजॉय कर रहे हैं पापा, आनंद आ रहा है ना, आनंद आ रहा है पूरा परिवार के साथ घूमना। तो यहाँ पे पूजा भी चल रही है, आप मतलब जो पंडित जी हैं यहाँ पे पूजा भी करते हैं, अगर आप चाहो तो पूजा भी करवा सकते हैं यहाँ पे किनारे में बैठ के। और इस साइड पे आपके होटल्स हो गए, धर्मशाला हो गए, और बाकी जो आपका इनका जो गवर्नमेंट कार्यालय जो होंगे, ऑफिस होंगे, वो सब यहीं पर ही है।
काशी और कामाक्षी फोटो सेशन कर रहे हैं। और कल मॉर्निंग में हम निकल जाएंगे नीलकंठ के लिए, कोशिश करेंगे जल्दी निकले क्योंकि उसके बाद फिर धूप शुरू हो जाती है, गर्मी हो जाती है, तो 6-7 बजे के करीब निकल जाएंगे नीलकंठ महादेव, जो कि ऋषिकेश का बहुत फेमस मंदिर है भगवान शिव जी का। और ये जो डिस्टेंस है आपका हरिद्वार, ये ऋषिकेश से जो डिस्टेंस है वो 25 या 30 किलोमीटर्स के करीब डिस्टेंस है। तो यहाँ से टैक्सीज भी जाती हैं, शेयर टैक्सीज भी जाती हैं। हमने यहाँ पर अभी जहाँ से हम आ रहे थे तो वहाँ पे लिखा भी था कि यहाँ से टैक्सीज जाती भी हैं, तो वही टैक्सी जो शेयर टैक्सी वो करके जाएंगे हम। कितना अच्छा लग रहा है मीनाक्षी, देखो लाइटनिंग जो है झूले पे, तो सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। और इस साइड पे जो नदी का जो बहाव है वो थोड़ा कम है, अब जैसे जैसे आगे जाता है तो बहाव बढ़ जाता है। पापा जी बिल्कुल रिलैक्स मोड पे बैठे हुए हैं पीछे आरती चल रही है और इतना अच्छा माहौल बना हुआ है। जय हो ऋषिकेश की, यही तो सबसे बढ़िया बात है, पूरा शांत है यहाँ पर, पूरा पीसफुल एरिया है, आरती भी चल रही है और लोकेशन भी इतना सुंदर है, मतलब दिल खुश हो जाता है ऋषिकेश आके। और मीनाक्षी भी बैठ गई आराम से यहाँ पे, एंजॉय कर रही है। कैसा मजा आ रहा है वहाँ बैठ के? अच्छा लग रहा है, रात भर यहीं बैठूंगी। रात भर यहीं बैठोगी? सही है, बढ़िया है, काफी अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा। पसंद आ गया मीनाक्षी को? शांति शांति वातावरण है यहाँ पर, बिल्कुल एकदम मन तो करता है यही बैठा जाए। यहाँ पे 2-3 घंटे बैठे वो भी कमी है। आरती भी हो गई, बढ़िया आरती भी चल रही है, गाना भी चल रहा है। और यहाँ पे नदी का बहाव पापा जी दो है, कम है थोड़ा इस साइड पे, आगे इधर तालाब है ना, हाँ। आगे तो अभी हम यहाँ पे फेमस जो चोटी वाला है वहाँ पे आ गए रेस्टोरेंट, तो इनको 64 इयर्स हो गए चोटी वाला जो है, ये ऋषिकेश यहाँ पे लिखा हुआ भी है 64 इयर्स ऑफ सर्विंग इन द होली सिटी ऑफ ऋषिकेश, नंबर भी दे रहे थे इनके साथ। क्या कैसा लग रहा है आपको ऋषिकेश से? मजा आ रहा है? बहुत अच्छा। आप कहाँ से आए? महाराष्ट्र से। लातूर। ओके ओके, तो अभी कितना टाइम हो गया अभी आपको यहाँ पे, कितने दिन हो गए? आज आए हैं, 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन हरिद्वार में हो गएंगे। ठीक ठीक ठीक, चलिए तो अभी हम रेस्टोरेंट में यहीं पर ही खाना खाएंगे। तो पापा जी फोटो खिंचा रहे हैं।
रहे बाबा जी, बोलिए। आप भी ऐसे तो ये आज से ये 64-65 साल पुराने हैं यहाँ पर, सभी मंदिर ही जा रहे हैं खाना खाने। तो अभी पूरा बहुत रश है यहाँ पे, ऊपर चलने मीनाक्षी, ऊपर चलना क्या ऊपर? अभी थोड़ा बहुत वैसे ज़्यादा वैसे यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे डिनर करेंगे और उसके बाद फिर अपने धर्मशाला में वापस चले जाएंगे।